इसमें सर उनकी क्यों तकरार हुई है? ये बीबी सरकार की आपके पास जहाँ पर अपेक्षा सर इसका 354 की सर है जीवन अलिफ दे भी गल मेरे चाचा तो घर है जी आप तफ्तीश में मेरिट करा देते हैं ना जी मेरिट पे करवा दे हमें कोई तफ्तीश में मेरिट करा देते हैं आपका मसला हल हो जाएगा जी बड़ी मेहरबानी और वो जमीन का मसला हल नहीं हो सकता वो जी है उनका जवाई उनको माई का जवाई है जी एक कनाल का जमीन का मसला है इवें है असं उन्होंने घर बना बनाया दिता से जी हूँ उन्हें जगह छड़ दी घर दी इटा भी पट लिया उस खाली प्लाट बना दिता असं क्या तू सा घर उमें वापस बना दे असं वापस चले जाने जमीन का मसला बुनियादी हल नहीं हो रहा सर ये तो ना जी बस ये माई की वजह तो मामला खराब होया वो माई ने आदि जवाई उकसाया वरना वो तो 15 साल तो चुप बैठा से कोई रोला ही नहीं सी चले ये मैं 10 दिन कैश पे टाइम लिखता हूँ 10 दिन के बाद फिर आपसे हम बात करेंगे जी मेहरबानी बहुत शुक्रिया ये 10 दिन में तफ्तीश फाइनल होगी मेरिट अगर हम पूछेंगे इनसे भी जी इलाके के बंदे भी नाल लेंगे बिल्कुल ठीक है मेरिट में तफ्तीश कराते हैं इलाके के बंदे तो पहले तफ्तीश हो जाए फिर जी क्या हाल है याद है सर गाजीपुर जी सर सर ये एक मुकदमा हुआ था ये सर क्योंकि मुकदमा करवाने वाला खुद अपनी एप्लीकेशन में और मुकदमे में बता रहा है कि मेरी लड़ाई बस कनेक्टर से और ड्राइवर से हुई है सर मैं तो सिर्फ सर उसके पीछे पूछने गया हूँ बस कनेक्टर और ड्राइवर से जो नक्शा मतलूबी है सर वो बस ड्राइवर के नाम पे और पर्चा मेरे नाम पे उसने करवा दिया सर नक्शा मतलूबी साल लगा हुआ है सर इसके तो उसके ऊपर कोई पर्चा नहीं उससे पैसे लेके उसने जान उसकी छोड़ दी ब्लैकमेलर आदमी सर बहुत बड़ा ये कौन? ये उमर सर ये जैसे आपका लीडर है और उमर लाले का सर इसकी सपोर्ट कर रहे हैं ये क्या लिखा है उमर हम तफ्तीश मुकदमे की जब मेरिट पे करेंगे तो आपका मसला हल हो जाएगा सर हल हो जाएगा मेरा सर सीसीटीवी कैमरे में भी ना सर मैं चेक कर 2 एकड़ दूर है सर एसएचओ साहब ने चेक किया सर ठीक है इसमें मैं लिखता हूँ देखे ना हम ये तफ्तीश कब तक इंश्योर हो जाएगी फाइनल सर ये इसकी 11 तारीख को सर जमानत है जूरी जमानत दोनों पार्टी को बुलवाया हुआ सर सीसीटीवी कैमरे में मैं सर 2 एकड़ दूर हूँ देखिए ये हम लिखते हैं 4 दिन को देते हैं 4 दिन में ये तफ्तीश अनमेरिट फाइनल करेंगे और हम खुद इस पर नजर रखेंगे ठीक है मेरिट में तफ्तीश हो जाएगी आपका मसला हल हो जाएगा पुलिस ने इनको ना जमीन नहीं लेके दी फराज भाई ने और डीएसपी मिश्रा ने अपने जाति से लगे सारे बच्चों को जमीन लेके दी हाथ मिलाओ ये आपके हो गए सर ये तो आपकी जमीनों में बेटा ये और ये आपके हो गए माशाल्लाह खुश हो अब ठीक है कहाँ सर ये आपके विजन के मुताबिक हो रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त बहुत अच्छा है खुश है जी आ जाएगा जी अच्छा जी आप बताएं थाना कौन सा है आपका ऐसे जो साहब इसको देखें बिल्कुल मेरिट पे देखें और मेरिट पे इंसाफ कराएं फिर इनका ठीक है 3 दिन में हम पूछेंगे ऐसे जो से बदमाशां घर मेरा कोल है जाते घूमते ने चेक नहीं किया मेरा समान मेरे ना बुरी छोर करता पे आता मैंने
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਹੈ ਮਸਲਾ ਮੇਰਾ ਸਾਈਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੁਣ ਆਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਲੜਾਈ ਕਿਉਂ ਹੈ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਘਰ ਬਾਰ ਸਮਾਨ ਤੇ ਘੜਾ ਗਾ ਮੰਜਾ ਹਰ ਸ਼ੈ ਟਰੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ ਲਏ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਵੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਕੱਲੇ ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਕਿਧਰ ਹੈ ਆਪਕਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁਣ ਦੀ ਬਹਿਣਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਗੈਰ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਆ ਇਸ ਦਾ ਸਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਫਾਮਨ ਦੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਫਾਮਨ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਚਾਰ ਬਹਿਣ ਉਸ ਦੇ ਵਾਲਦ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਫਾਮਨ ਨੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਭ ਤੇਰਾ ਦੇ ਸਭ ਦੇ ਗੱਲ ਬਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ उसके बाद सर उसके जो वालिद है उसने तमाम रकबा अपनी बेटी और अपने जमा वगैरह को तकसीम कर दिया सर वो सारे काबू के ऊपर बैठे थे उसने अभी जो भी भीड़ है वो इसकी सपोर्ट नहीं कर रहा था इसका जब हम पहुँच गए तो उसके पास था एक मोटरसाइकिल था बाइसाइकिल भी उसने सर उसके लिए हमने तमाम तक कोशिश की है सर उनके साथ तमाम नेगोशिएशन भी की है सर लेकिन वो बंदा नहीं सर मान बात ये है सर कि वो बंदा उनका सर ये इसने आज तक हमें कागज नहीं दिखाया लेकिन ये कहती है कि मेरा नाम मलकी है ये खामन के नाम मलकी है खामन तो सर पौधे हैं अब वो सारे के सारे चीज़ों की पसंद वो कब्ज़ होकर उन्होंने कोई अदालत में भी इनके खिलाफ इसने कोई बच्चा नामक्का का केस दायर किया था इस बच्चे का सर एक ही बच्चा सर इसका और ये बेचारी है इसके अंदर अपने वालदेन के पास है लेकिन सर वो नजायज था तो रिपोर्ट के जरिए सर वो काबज़ होकर पुलिस पड़ेगी तो कोई वजह तो होना तब पड़ेगी ना आपके दरमियान मसले हल कराते हैं ठीक है जमींदार वाला है थाना कौन सा है थाना कौन सा ऐसे जो से मिले ऐसे जो से मिले ऐसे जो है ये ऐसे जो इनसे मिले मैं तीन दिन के बाद ऐसे जो से पूछूंगा तीन दिन में आप ऐसे जो मिल तो लेना थाने तो जाए बन गया थाने इतने की जरूरत आप ऐसे जो खुद आपसे रब्ता करेगा ठीक है मेरिट पे आपके काम कराएंगे नहीं करेंगे आप कुछ आप थाने गए नहीं यहाँ आप इनके हवाले हैं मैं इसे पूछूंगा तीन दिन बाद खुद हमें ना ठीक है मैं खुद हमें ना परेशान ठीक है जमीन का मसला भी इनका हल करते हैं ठीक है वो फिर हम एस एस के कमेटी के साथ मिलकर हल कराएंगे आपका मसला ठीक है सिद्धू साहब आपका ख्याल रखें हाँ हाँ ये आवाँगे आपके पास आ जाएंगे खुद आप बेफिक्र होकर जाए पूरा ख्याल रखेंगे आपका जो भी याद रखी हुई ना आपकी हक पे वो कर ऐसे से मिलके इनका भी हल निकालें ठीक है डेढ़ महीना अगर साड़ी किसी कोई गल नहीं सुनी तो आखने तो असं आई सी रह महीना पूरा बावलपुर साढ़े तो अस्पताल बैठे है जो उसने गोली मारी थी वो ना बरी कर दीते बेगुनाह लिख दीते सर ये बंदे को एक तो फायर लगा था सर ये बंदा 20-25 दिन सर एडमिट रहा है इस दौरान सर जो दो बंदे हमने गिरफ्तार किए थे जो मौका टुका मजबूत थे दोनों सर सर कस्टडी कवर किए सर उनको हमने चलान किया सर पूरी दार देखा सर एक उसमें मुजमा सर घूमा जाए वो सर उसका बालक था बीमार
वो आई एस साहब ने उसको बेगुनाह कर तहरीर किया, वो डिप्टी साहब के पास पेश हुए थे, मैंने डिप्टी साहब ने कहा कि हम इसके साथ बात नहीं करते, उन्होंने सर एप्लीकेशन दे रखी है सर उधर चेंबर ऑफ इन्वेस्टिगेशन में, डिप्टी साहब ने समाप्त किया और सर नेक्स्ट स्टैंडिंग बोर्ड में गिरफ्तार। ये कह रहे हैं कि 109 में सर दो बंदे हैं, ये वो बंदे कह रहे क्लेम करते हैं कि हम बेगुनाह हैं, ये कहते हैं कि पुलिस उनको बेगुनाह लगती है। सर हमारा नाम बेगुनाह किया गया है, मोहम्मद अहमद अंसर दा वाद बेगुनाह किया गया है। किया गया है, किया गया है जी। अच्छा एक काम करेंगे जी, तब्दीली तफ्तीश इसमें करेंगे जी, तफ्तीश इसके प्रॉपर एक जबरदस्त अफसर से कराएंगे, सीधे अफसर जी सर। उसमें अगर साढ़े दस साल पहले भी जुल्म होया है, DSP फराज साहब अदर साहब ने भी जुल्म किया है जी, इन्हों के यतीमा बच्चों के उत्ते अलग सवा होर कोई नहीं, फराज साहब ने अदर तफ्तीशी अदर प्राचा साहब ने DSP साहब ने क्या यह बंदे साडा बंदा वेंटीलेटर च है जी, 12 तरीक में सानू कॉल की ने बाड़ी शामले तफ्तीश है, असी यह गल की कि असी पहुँच नहीं सकते जी, साडा बंदा वेंटीलेटर एमरजेंसी ICU बावलपुर चा, असी नहीं पहुँच सकते, इन्हें पिछों अदर की जमानत होगी जी, तो मोहम्मद अहमद बेगुनाह कर दिता ने, इसीलिए तो हम तब्दीली तफ्तीश में जा रहे हैं ना, कतल का मामला है जी सर, कत्ल का मामला है, इसमें हम ऐसे नहीं कर सकते जी सर, इसमें हम प्रॉपर आपको इंसाफ दिलवाएंगे, मेरिट करके दिखाएंगे ठीक है। जिशान आपने से डायरेक्ट रब्ते में आ जाना है जी सर, आपने DPO दफ्तर डायरेक्ट रब्ते में रहना जी है सर, इस केस में हम फुल मेरिट करके दिखाएंगे जी आपको सर। ठीक है मेरा पुत्र मेरे घर का मसीला भी आगे बच्चे भी समझे, अल्लाह खैर करके ठीक है। अच्छा जनाब जिस वाल भी जाने ना इन्होंने को साडा को करो जी, तो ये कहते हैं 109 वाले ना पहले 16 करो फिर अभी 302 का कोई सोच है मुल्जम बे, बेटा मेरी बात सुन ले ना, हर तमाम बात करेंगे तो टाइम बहुत लग जाएगा, मुल्जम मैंने तफ्तीश करा ली है जी, एक अनेस्ट अफसर से तफ्तीश कराएंगे इसकी प्रॉपर जी सर, दो बार हुई होते उधर भी हुई है किधर किसी तफ्तीशी ने बुलाया आपको दूसरे ने तो नहीं बुलाया भी, अच्छे तफ्तीशी अफसर को हम जिम्मेदारी देंगे ये ठीक है, और प्रॉपर ईमानदार तफ्तीश से खुद तफ्तीश कराएंगे, पीछे वालों ने अगर कोई गंद किया हो तो उनको सजा देंगे, ठीक हो गया ना जी, ठीक हो गया एक ही हो गया, आप शाम रात में रहेंगे आज दूसरा आज ठीक है, आप थाने गए हैं ठीक है ये SHO है, ये SHO है, आप इसके जिम्मे हैं, मैं 3 दिन बाद इसे सच पूछूंगा, देखेंगे सारी चीजें देखेंगे, 3 दिन में हम पूछेंगे आपके दादर से कराएंगे। थाना कौन सा है जी, थाना कौन सा है, थाना बरजमानत तो है लेकिन ये वो सच्चा है जी, जी सच्चा सच्चा सच्चा
ये तो बजिद है लेकिन पुलिस की तफ्तीश कैसे ये कब तक फाइनल कर लेंगे? कब तक फाइनल हो जाएगा? ठीक है बीबी, हम 7 दिन में मेरिट पे तफ्तीश फाइनल करेंगे, ठीक है? 7 दिन बाद आपसे बात करेंगे। बच्चा हो गया है कल आप जो आई थी मेरे पास, बच्चा हो गया है, FIR हो गई है? नहीं सुन रही, तेरे समझ नहीं आ रही, तेरी बच्चा हो गया है? बच्चा हो गया। अब क्या मसला रह गया है? वो जानवर ना मंदिर पड़ा ना क्या, कल से आया हो थे बावल ना तेरे मत्थे लग गया तो पर से तो हो गया ना वो आज ओने लंदा से तू सानू उमर साहब ने मियां उमर साहब ने ता ओना सन भेजा सी भी तुसी ओथे चलो आज बंदे पकड़े जी सर, आज ये बंदे पकड़ते हैं दरकार में आप बेबी आपके बंदे पकड़ते हैं, कल पर्चा हो गया है, ये कब की बात है? ये कब की बात है? कल का वाक्य है? नहीं कल गड्डी गई है ना, नहीं वाक्य कब का है? परसों का है, परसों का वाक्य आज तीसरा दिन हो गया, कल पर्चा हो गया है।